नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन अब एलपीजी के भी दामों में इजाफा हो रहा है, तो इसको लेकर के आज हम लोगों से बात करेंगे और जानते हैं कि आखिर बजट पर इसका क्या असर पड़ा। आइए लोगों से बात करते हैं। सिस्टम गड़बड़ हो जाता है घर का, कैसे घर चलाए, क्या करे, कुछ समझ में आता नहीं। सोचना पड़ता है कि उतने में सारा काम करना है तो कैसे करें, क्या करें। और ख़ासकर मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, बच्चों का पढ़ाई है, घर खर्च है, कैसे चलाए, क्या करें। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि हर तरह से पब्लिक को सुविधा दें और हर तरह से पब्लिक खुश रहे और सरकार भी खुश रहे। और क्या, लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर क्या कहें? देखिए, महंगाई पर तो लगाम लगना चाहिए, महंगाई से तो दुनिया परेशान है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि महंगाई में ब्रेक हो। लेकिन हम लोग तो विनती कर सकते हैं सरकार से कि महंगाई को ब्रेक किया जाए, कि सारे लोग जो है उनको सुविधा मिले, पेट्रोल डीजल के रेट कम हो। पेट्रोल डीजल के महंगाई से ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, सारे चीज़ों पर कीमत में वृद्धि हो जाती है, तो हम लोग चाहते हैं कि ट्रांसपोर्टिंग कम हो, पेट्रोल डीजल के रेट कम हो, जनता को सुविधा हो। जो आप सिलेंडर पर, गैस पर रेट बढ़ते जा रही है, इस पर कुछ विशेष ध्यान दिया जाए। गरीब आदमी मर जाएंगे, कहाँ से पकाएंगे खाना। 50 रुपये बढ़ गया। हाँ, 50 रुपये बढ़ गया, 70 हो गया है, तो कम करिए। गैस दिक्कत नहीं हो रहा? बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत। गरीब आदमी कहाँ से पकाएंगे खाना। गैस पर दाम बढ़ा रहा है हर महीने 50 रुपये बढ़ा रहा है, हर महीने 100 रुपये बढ़ा रहा है। अब पहुंचाने वाला 20 रुपया लेता है अलग। हम क्या कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी साहब जो करना चाह रहे हैं हो रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, तो महंगाई बढ़ रहा है। परेशानी नहीं हो रही? परेशानी बहुत परेशानी हो रही है। जहाँ मेरा 1200-1300 में फुल टंकी हो जाता था, आज 1200-1300 में हाफ टंकी हो पाता है। परेशानी तो हो रही है। बजट पे कितना फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ रहा है बजट पर। बजट में पेट्रोल का रेट बढ़ जाने से हर सामान का रेट बढ़ जा रहा है ना, तो बजट पर तो फर्क पड़ ही रहा है। आप क्या कहेंगे, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, एलपीजी का रेट बढ़ रहा है। मैम, हमको कहना है कि मोदी जी इस पर विचार करें, क्योंकि हर चीज़ का डबल हो जा रहा है। कोई भी सामान लेने जाइए, जैसे समोसा पहले खाते थे लोग 8 का 10 का, सीधे 15 का हो गया है। तो आदमी क्या कर सकता है, सिर्फ बोल ही सकता है, करने वाले ही करेंगे। ऐसे में बजट पर फर्क नहीं पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, कमाई उतना ही है मगर खर्चा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी जो हो सके वो सहूलियत करना चाहते हैं तो करें, और लाइट के साथ करें। ये नहीं कि ये कर रहे हैं, कह रहे हैं, करना नहीं है, करना है तो करना है। पूरी में लेना पड़ रहा है गैस, इतना ही गैस बढ़ा दिन, बार बार बढ़ता है गैस में पैसा, सब्सिडी भी नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा? नहीं, एक पैसा नहीं आ रहा, साल भर से नहीं हमारे पास आ रहा एक पैसा। गरीब पर इतना अत्याचार नहीं करें, कुछ कम करें, हम लोग के लिए सहायता करें। गैस तो महंगा है ही, जैसे तेल, ये मिट्टी का तेल या फिर एलपीजी गैस कहिए या पेट्रोल कहिए, तो हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा उसको थोड़ा कम किया जाए। गैस का दाम तो नहीं है, बढ़ना चाहिए था, पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। गरीब लोग सहारा हो रहा है, खाने पीने में बड़ा कमी, कुछ दिक्कत हो रहा है बनाने वाने में, गैस का दाम होना चाहिए कम। सरकार जिस रेशियो से गैस का दाम बढ़ाई है, क्या उस रेशियो में महंगाई भत्ता कर्मचारियों को अपने दी? अन्य लोग जो किसी असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको कितना परसेंट वेतन बढ़ोतरी किया? कभी खुश नहीं हो सकता है आदमी। ये मनमानी कर रही है सरकार, बेतहाशा महंगाई को बढ़ा रही है। कहना यही चाहेंगे कि सरकार इस पर कंट्रोल करे, ताकि आम जनता की बात है, रोजमर्रा की चीज़ है ये सब, गैस तो सबके लिए ज़रूरी है। तो महंगाई में हो रहे इजाफे को लेकर आम जनता काफ़ी परेशान है और सरकार से मांग कर रही है कि महंगाई को घटाया जाए। देसवा न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। धन्यवाद।